हेलो नमस्ते शश्रीयकाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साउथ इंडियन क्यूजीन की एक रेसिपी अप्पम, जो कि ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होती है। और हमने यहाँ ऐड किया है चीज़, जिससे ये बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है और आप उन्हें लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्पम बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में एक कप रवा ऐड करें, 3/4 कप फेटी हुई दही डालकर रवा और दही को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई सब्जियां, 2 बड़े चम्मच प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, नमक स्वादानुसार और 1/4 कप पानी डालकर इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर ले। बैटर तैयार है और अब हम इसे ढककर 50 मिनट रेस्ट देंगे। अब हम गैस ऑन कर एक तड़का पैन चढ़ाएंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून खरा जीरा और राई डालेंगे। राई के चटकते ही हम इसमें बारीक कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लें और तड़का तैयार है। 15 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि सूजी अच्छी तरह से फूल कर तैयार है। और अब आप इस बैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। अप्पम बैटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहले पार्ट में हम ट्रेडिशनल तड़का देंगे और दूसरे बैटर में हम थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहे हैं, जिसमें हम इटालियन हर्ब्स और चीज ऐड करेंगे। फर्स्ट बैटर में हम 1/4 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट और तड़का ऐड कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ट्रेडिशनल फ्लेवर वाला अप्पम बैटर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे अप्पम स्टैंड में पोर कर लेंगे। गैस ऑन कर अप्पम स्टैंड चढ़ाएंगे और इसमें 2 ड्रॉप्स ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और अब एक स्पून की हेल्प से इसमें अप्पम बैटर एक एक कर फिल कर लेंगे। आप देख सकते हो कि अप्पम बैटर को हमने अच्छे से फिल कर लिया है और अब आप इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। 4 मिनट्स हो चुके हैं, हम ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हो कि अप्पम बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार है। और हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर देंगे और एक नाइफ और टूथपिक के हेल्प से इसे पलट लेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हो कि अप्पम हमारे दोनों तरफ से सेक कर अच्छे से तैयार हैं। तो अब आप इसे एक टूथपिक की हेल्प से एक एक कर निकाल लें। अब हम सेकेंड अप्पम बैटर में 1/4 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बाउल में ग्रेटेड मोजरेला चीज़ लेंगे, उसमें 1 पिंच ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज स्टफिंग और इटालियन सीजनिंग अप्पम बैटर बिल्कुल रेडी है। तो इसमें 1/4 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करें और इसे मिक्स कर लें। अप्पम पैन को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और इसमें सबसे पहले आप 1 टेबलस्पून बैटर डालें, थोड़ी सी चीज़ स्टफिंग डालें और इसे ऊपर से बैटर से कवर कर दें और इसी तरह से सभी में बैटर फिल कर लें। अप्पम पैन में हमने बैटर अच्छे से फिल कर लिया है और अब हम इसे ढककर 4-5 मिनट दोनों तरफ से सेकते हुए कुक कर लेंगे, जैसे हमने अप्पम को पहले सेका था, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। और आप देख सकते हो कि इटालियन सीजनिंग अप्पम विद चीज स्टफ बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अप्पम को सर्व कर सकते हैं कोकोनट चटनी या टमाटो सॉस के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। So have a great day and bye-bye.